किसी भी कंपनी में अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो पहले आप उसकी डीपली जानकारी लीजिए। सबसे पहले आपको डीपली जानकारी किसकी लेनी है, आपको कंपनी के बारे में लेनी है। ये स्क्रबर देख पा रहे हो, ग्रीन स्क्रबर, ये किस इसमें भी किस तरीके से आपके साथ जो है फ्रॉडबाजी की जाती है, आपके साथ कैसे धोखाधड़ी की जाती है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आज डीपली देने वाला हूँ। मशीन ले चुके हैं, अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पास से रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा कहीं और से मशीन ले चुके हैं, अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है दोस्तों तो आप हमारे यहाँ से मशीनों की सर्विस भी ले सकते हैं। तो मैं आज आपको कोई एक बिजनेस के बारे में नहीं बताने वाला, मैं आपको आज मार्केट के खुलासे के बारे में बताने वाला हूँ। खुलासा मतलब कि आपको कैसे मार्केट में बताया कुछ जाता है और बेचा कुछ जाता है। तो हाँ दोस्तों, आप किसी फ्रॉड में फंसने जा रहे हैं, किसी गलत तरीके के प्रोडक्ट में फंसने जा रहे हैं, गलत बिजनेस में फंसने जा रहे हैं, उसकी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने। तो जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे यहां पे कि मेरे पास ये तीन मशीन आपको दिखाई जा रही है, ये देखिए दोस्तों, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बता देता हूं। जैसे देखिए ये मशीन हमारे पास ये मात्र 18,000 रुपये की मशीन है, और इससे भी कम प्राइस में ये हमारे पास मात्र 13,500 रुपये की मशीन है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों मशीन तो सेम है। हाँ दोस्तों, देखने में बिल्कुल सेम है, वर्किंग में भी सेम है, प्रोडक्शन में भी सेम है, और बिजली कंजप्शन की बात करूं तो उसमें भी बिल्कुल दोनों ही की दोनों मशीनें सेम है। बस इसका फर्क क्या है, इसके मैकेनिज्म का फर्क है। दोनों मशीनों में आपको मैकेनिज्म का फर्क पड़ेगा और आपको बताया ये जाता है और दे ये दिया जाता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं कर सकता या और कंपनी नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन हर कोई। लेकिन आपको जानना क्या है कि आपको वारंटी कितनी मिल रही है इस मशीन की, और इस मशीन की वारंटी कितनी मिल रही है डिपेंड करता है इस पे, और आपको दिखाया क्या जा रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको डीपली जानकारी दूं तो इसके गियर बॉक्स का फर्क है, इसमें गियर बॉक्स का मैकेनिज्म जो अलग है और इसका अलग है। हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये मशीन भी आप देख पा रहे होंगे, ये स्टील में आपको दिख रहा होगा, स्टील मेटल में, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हाई है, मतलब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, और इसका मैकेनिज्म इन दोनों मशीनों से भी ज्यादा बेस्ट है। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स, मसाले, जो भी आपका डिटर्जेंट पाउडर, मतलब जो भी आपका पाउडर आइटम में है, अगर पाउडर आइटम में अगर कोई भी आइटम अगर आप पैक करना चाहते हैं तो ना तो आपकी इस मशीन से पैक हो पाएगी, ना दोस्तों आपकी इस मशीन से पैक हो पाएगी। इस मशीन से पैक तो हो जाएगी लेकिन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आप काम नहीं कर सकते इस मशीन के साथ। इसके अलावा सबसे जो बेस्ट रहेगी उस काम के लिए, वो सबसे बेस्ट आपकी ये वाली मशीन रहेगी। ये चीज आपको कोई भी गाइड नहीं करता है। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, आप देख पा रहे हैं ग्रीन पैड, ये स्क्रबर देख पा रहे होंगे, ग्रीन स्क्रबर, ये किस इसमें भी किस तरीके से आपके साथ जो है फ्रॉडबाजी की जाती है, आपके साथ कैसे धोखाधड़ी की जाती है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आज डीपली देने वाला हूं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस मशीन से आप ये वाला बिजनेस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इस मशीन से भी कर सकते हैं। लेकिन बात अगर मैं बताऊं आपको, तो इससे सिर्फ यही वाला जो आपका साबुत आइटम है वो पैक कर सकते हैं, जो आपका पाउडर आइटम होगा वो इस मशीन से ही आपका कामयाब है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको ग्रीन पैड के बारे में बताया होगा, जैसे देखिए ये तीन ग्रीन पैड आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों ये तीन ग्रीन पैड दिख पा रहा होगा, तीनों में आपको एमएम में फर्क दिख रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो ये देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पीस है ये 6 mm का पीस है, ये देख पा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा ये जो है ये 8 mm का पीस है, 8 mm जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आप ये देख पा रहे होंगे 10 mm का पीस है। ये देखिए मैं दोबारा कोशिश करता हूं तीनों पीस को एक साथ दिखाने की, ये देखिए दोस्तों आपको फर्क नजर आ रहा होगा तीनों में, ये देखिए। तो इसमें क्या है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एक आइडिया लेकर के, कि मेरी कंपनी कहती है आपको ये हम आपको दे रहे हैं 1 रुपए में, आपको कोई कंपनी कहती है कि जी हम 80 पैसे में आपको दे देंगे, तो आपको क्या लगता है कि हमारी कंपनी ने तो महंगा, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी आप एग्जांपल के तौर पे रख लीजिए, तो वो कंपनी तो महंगा बता रही है, दूसरी कंपनी सस्ता नहीं बता रही है आपको, आपके क्वालिटी के साथ समझौता किया जा रहा है, आपको इस चीज की जानकारी नहीं है, और ये जानकारी आपको कोई भी कंपनी नहीं देती क्योंकि उनको आपके साथ फ्रॉड करना होता है। आज तक आपने यूट्यूब पर ऐसी वीडियो किसी की भी नहीं देखी होगी जैसी आपने मेरी वीडियो, काफी सारी मैंने और भी बनाई हुई है जिसमें हर तरह की नॉलेज देता हूँ मैं, बिजनेस के बारे में बात नहीं करता। पहले आपको नॉलेज चाहिए, पहले आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद अपने व्यापार को खड़ा कीजिए। दोस्तों अब तक मैंने आपको जानकारी दी कि मार्केट में कैसे फ्रॉड हो रहा है, कैसे आपको गलत तरीके से आपको प्रोडक्ट बेचा जाता है, अपनी मशीनें बेची जाती है। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों कि आप इस फ्रॉड से, इस गलत तरीके से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आप अगर किसी भी कंपनी में अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो पहले आप उसकी डीपली जानकारी लीजिए। सबसे पहले आपको डीपली जानकारी किसकी लेनी है, आपको कंपनी के बारे में लेनी है। इसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में लेनी है, क्या साइज है, क्या थिकनेस है, क्या एमएम है, ये सारी चीजें जानकारी लेने के बाद, और क्या प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है,
और जो भी चीजें दी जा रही है वो कमिटमेंट आपकी ओके है या नहीं है। कमिटमेंट मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वर्बली बोल दिया जा रहा है और आप एग्री कर ले और वो चीज आप परचेज कर ले, नहीं, आप सारी चीजें उनका बॉन्ड पेपर जो होता है, जो लेटर हेड होता है कंपनी का, आप उस पर लिखित रूप में ले जब ही आप कोई प्रोडक्ट आप परचेज करें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप कहीं और से मशीन ले चुके हैं, अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पास से रॉ मटेरियल ही परचेज कर सकते हैं, और इसके अलावा कहीं और से मशीन ले चुके हैं अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है दोस्तों तो आप हमारे यहाँ से मशीनों की सर्विस भी ले सकते हैं। सिर्फ एक ही मशीन नहीं दोस्तों, हमारे पास कई तरह की लघु उद्योग की छोटी छोटी मशीनें हैं, इन सभी मशीनों की आप सर्विस ले सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके और कन्फर्म कर सकते हैं आपके पास मशीन कौन सी और कौन सी मशीन की आपको सर्विस लेनी है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं मशीन की। मशीन के जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों मशीनों में कोई फर्क नहीं है, तो डेमो दिखाने का कोई खास फर्क तो आपको पड़ेगा नहीं। इसके अलावा मैं आप बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या रॉ मटेरियल मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको हमारे पास ग्रीन पैड जो है हर साइज में अवेलेबल है, 3x4 भी आता है इसका, 4x5 भी आता है जो अभी मेरे हाथ में है, और इसका 4x6 भी आता है। तो सारे पाउच हमारे पास अवेलेबल है, ये देखिए 4x6 का पाउच है हमारे पास, तो ये भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा 2-in-1 हो गया आपका ये ग्रीन पैड, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे होंगे कितने तरह के पाउचेस है हमारे पास अवेलेबल, इस तरह के पाउचेस आपको सारे मिलने वाले हैं। आप इसमें कुछ भी पैक कर सकते हैं, जैसे डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट है ये, आपको 10 रुपये, 50 ग्राम, 100 ग्राम जितना पैकिंग करना चाहते हैं हर तरीके से का पाउच आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं काजू, किशमिश, बादाम, ये आप देख रहे होंगे आपका सूजी, हर एक आइटम का पाउच आपको हमारे पास से मिलने वाला है। जितने प्रकार के आप सोच सकते हैं कि हम ये आइटम पैक करना चाहते हैं, वो सारे आइटम आपको पैक करने के लिए हमारे पास सारे तरह के पाउच अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप हमसे ये हर तरह का पाउच आप परचेज कर सकते हैं, एक मशीन से आपको ये सारे प्रोडक्ट आपके पैक होने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि ये देखिए सिल्वर पाउच है, आप इसमें अपने ब्रांड से अगर पैक करना चाहते हैं तो ब्रांड से ही पैक कर सकते हैं, ना जैसे ब्रांड का स्टिकर लगा करके, और इसमें कुछ भी आइटम 5 रुपये में, 10 रुपये में जो भी पैकिंग करना चाहते हैं, लड़ी हो या सिंगल पाउच हो, आप इस मशीन से सारी चीज़ें पैक कर सकते हैं। चाहे लड़ी में पैक करना चाहें दोस्तों लड़ी में पैक हो जाएगा, और आप अगर उसमें पैक करना चाहते हैं सिंगल पाउच में, तो वो भी पैक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हमारे पास क्या किस किस प्रकार का रॉ मटेरियल है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप हमसे मशीन कैसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे मशीन परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल, वीडियो कॉल करके और आप हर एक प्रोडक्ट देख सकते हैं, सही जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद ही हमारे पास से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे कंपनी में विजिट करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी जो कंपनी का जो लोकेशन है दिल्ली में है, अशोक पार्क मैन मेट्रो स्टेशन लिफ्ट नंबर 3 के सामने ही हमारा ऑफिस है। ऑफिस एड्रेस जो है 27/3 फूलबाग, अशोक पार्क मैन मेट्रो स्टेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप किस तरीके से हमारे पास से मशीनें परचेज कर सकते हैं, तो हमारे पास से आप कैश ऑन डिलीवरी में भी परचेज कर सकते हैं, ईएमआई के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। ईएमआई के लिए आपको प्रॉपर दिल्ली आना पड़ेगा, कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स लेंगे जैसे 2 फोटो, 2 चेक, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और जो डाउन पेमेंट जाएगा वो डाउन पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा। और हमारे पास से आप ये मशीन जो है ईएमआई के थ्रू 12 महीने के ब्याज फ्री लोन पे आप ये मशीन हमसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बिजनेस की किसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए हो, किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटिव अगर आपको जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक तरह के बिजनेस के बारे में गाइड कर सकूं दोस्तों, आप क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कई सारे लघु उद्योग के छोटी छोटी मशीनें और रॉ मटेरियल मिलती है। तो इसके अलावा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस तरह का आपको बिजनेस में सपोर्ट चाहिए, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा।